दरवाजा बंद कर लें प्लीज सो यस्टर्डे आई गॉन टू दिस वेडिंग क्लोई की शादी थी और क्लोई इज़ माई कलीग फ्रॉम बालाजी एंड आई है फॉर सम सम्वेल्व इयर्स एंड तो इंटायर बालाजी गैंग वॉज द लीड्स एकता वॉज द एंड सो क्या हुआ था कि आफ्टर बिग बॉस नो वेर एवर आई वुड गो अ लॉड ऑफ पीपल वुड गिव मी लॉर्ड ऑफ लव मोस्टली ग्रोन अप पीपल बट दिस टाइम एन आई वेंट दैट द kids went crazy. Matlab from the 13-year-olds to the 17-year-olds, there was just so much of love that i got. and everyone was just talking about ace of space, ace of space, ace of space. and i was just so happy. My contestant favorite next. next. so i just realized that, you know, that's how exactly when you get your actual reactions ratings, i we are very happy. Um superb. but when you see the reaction, automatically, it's amazing. you become aspirational for a 14-year-old boy, and that's that's superb. it's a fact. there are kids who love absolutely, i think it's uh, superb, and, uh, uh, and i feel very, very happy about it because uh, the reason why i chose an mtv show was this, because i wanted to be colloquial and be रिलेटेबल टू दी यूथ टूडे आई ऑलवेज बिलीव इन मेकिंग लॉड ऑफ़ यूथ प्रोग्रामिंग जितना भी मैंने एज अ प्रोड्यूसर राइटर डरेक्टर किया है अ लॉड ऑफ वर्क नाइनटी परसेंट ऑफ देट हैज़ बीन यूथ चाहे वो गुमराह हो आशिकी होारियाँ हो स्प्लिट्स रहा हो बट आई जस्ट फील दैट सम हाउ देर इज़ नॉट इनफ प्रोग्रामिंग फॉर यूथ आई जस्ट फील दैट दैट बहुत कम है जी सीज में इतना बनता नहीं है फिक्शन प्रोग्रामिंग बंद हो गई है सो आई जस्ट जितना हम कर सकते हैं उतना ही कम है

When यू आर inside अ कैप्टिव reality शो जैसे कि बिग बॉस का घर हो गया या मेरा घर हो गया इस स्पेस में तो क्या होता है वहाँ पर ना जो भी इमोशन आप फील कर रहे होते हो उसको इंटरटेन कर दो बिकॉज आपको गुस्सा आता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है प्यार आता है तो कोई और है नहीं ना माँ नहीं है पापा नहीं है भाई बहन दोस्त नहीं है तो एक ही बेस्ट फ्रेंड है उस पर फिर सारा प्यार उसी पर उमड़ आता है तो लगता है यही जिंदगी है यही सब कुछ है तो वही मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऐसे शोज पर जो भी इमोशन आपको आ रहा है उसको इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए इस लेवल पे कि आप जब बाहर आओगे तो प्रायोरिटीज़ पता चलेंगी ऑप्शंस पता चलेंगे अभी केवल आपको दिव्या दिख रही है जब आप बाहर जाओगे तो दिव्या के साथ साथ तीन और लोग दिखेंगे मोमो डट दिखेंगे दिव्या को उसके बाहर जाएगी तो उसको काम दिखेगा अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी और फैमिली दिखेगी तो उसके एक महीने के बाद जब ये लोग बोलेंगे ना वी स्टिल लव इच अदर तो मैं बोलूँगा हाँ प्लीज़

I I can talk like this I can talk in a completely different language but मेरा हमेशा होता है जहाँ पर मुझे मज़ा आ रहा होता है और मन कर रहा होता है मैं वैसे काम करता हूँ और जहाँ तक रही बात समझाने की गुस्सा ऐसा नहीं कि मैं गुस्सा नहीं होता गुस्सा होता हूँ जैसे मेरी दिवाली का डिनर फैमिली के साथ कैंसिल हो पूजा कर रहा था मुझे यहाँ पे आना पड़ा पर मुझे हमेशा लगता है कि बिग बॉस ने मुझे ना बहुत बेटर ह्यूमन बींग बनाया वहाँ पर रह जो पेशेंस सीखी मैंने जो अंडरस्टैंडिंग समझी मैंने और उसके बाद जो लाइफ एक्सपीरियंसिस हुए मेरा एक ही एम रहा था एस ऑफ स्पेस करते वक्त कि एस ऑफ स्पेस ना एक एक्सपेरिमेंट एक है जिसमें ये सब लोग आ रहे हैं एंड मेरा मतलब है कि अगर मैं उनको इन टास्क के थ्रू चॉइसेस के थ्रू लाइफ के कुछ एग्जांपल्स बता पाऊँ तो बहुत अच्छा हो जाएगा जैसे कि आई रिम्बर शहज़ाद देउल जिसने कहा था मैनिपुलेशन बड़ी ख़राब चीज़ होती है मैन्यपुलेशन तो खराब ही होता है तो मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैनिपुलेशन अगर किसी के बुरे के लिए करो तो वो खराब होता है। लेकिन अगर अपने अच्छे के लिए करो, तो वो बुरा नहीं होता है तो उसने क्या किया कि मुझे दे दो अगर तुम्हारी चाबी नहीं लग रही होगी उसका सेकंड ताला खुल गया था उसने छुपाया वो ताला कि खुला नहीं है तो लोगों ने तीसरे ताले की चाबी दे दी उसको और उसने वो खोल लिया था सेकंड ताला भी खुल गया था तो मैंने कहा यही होता है और ये मैनिपुलेशन किसी को uh, के लिए खराब नहीं था तुम्हारे लिए अच्छा था तो लाइफ में बहुत कड़वे सच होते हैं उसको अगर आप समझा पाओ ढंग से किसी को तो वो इंसान को समझ में आता है एंड आई थिंक दैट्स वॉट द आइडिया रियली इज टू मेक देम अंडरस्टैंड अबाउट लाइफ फ्रॉम योर एक्सपीरियंसिस आई विश कोई मुझे समझाता ऐसा तो मेरी लाइफ थोड़ी सी लेस uh, uh, होती uh, कोई ऐसे कोई हैं जो आपको लगता है कि इसने ग्रो किया है ए पर्सन एज एन इंडिविजुअल वेल वेल बीइंग इन बींग इन एस ऑफ स्पेस हर एक कंटेस्टेंट ने ना अपनी जर्नी करी है प्रतीक सहजपाल आया था पहले हफ्ते चीखने चिल्लाते हुए बिल्कुल अल्फा मेल बनकर और अब उसका अगर आप देखोगे ही इज बिकम वन ऑफ द नाइसेस्ट कंटेस्टेंट देर इज वरुण फ्रॉम द मैं सबसे बेस्ट हूँ टू अंडरस्टैंडिंग एंड बिकमिंग हम्बल अगैन शहजाद देवल ही इज ही इज़ वंडरफुल वो पीच में तो भाग रहा था मेरे को रहना ही नहीं है अभी वो फिनाले में है ऑलमोस्ट

Underdog, देसी पना वाली फीलिंग थी तो बड़ी कोशिश करती थी स्टार्टिंग से कोशिश करती थी बड़ी मेहनत करती थी और फिर वो चली गई तो मुझे बड़ा सैड हुआ मुझे लगता था था उसे जाना नहीं चाहिए ओके okay, क्या क्या कहना चाहेंगे फॉलो कर रहे हैं और और ये जो टैग आप जिस जो मैं बात करता हूं, वो, uh, कि अब कुछ और क्या होना चाहिए मुझे कोई अटैचमेंट नहीं रह लगे मास्टर माइंड से या किसी भी टैक्स से एक ही टैक्स से मुझे थोड़ी सी अटैचमेंट है वो है गुजीबू बिकॉज वो हमारी फैमिली में हम जिसको भी प्यार करते हैं उसको प्यार से बोलते हैं ये जो मास्टर का टैग था वो मुझे कोई ने इसलिए नहीं दिया था कि मैं बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ मुझे चुड़ाने के लिए दिया था कि अरे अब ज्यादा मास्टर माइंड मैं बट सी द इन दिस कंट्री ऑफ इंडिया यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि अगर कोई इंसान को आप मास्टर बोलते हो तो सब लोग उसे नेगेटिव ही लेते हैं अरे बहुत ज़्यादा चालाक है अगर कोई आप इंसान से बोलो अम्बिशियस है तो बोलते अरे ये तो बहुत अम्बिशस है अम्बिशियस होना या समझदार होना कोई बुरी बात नहीं होती पर ये सिखाना और समझाना लोगों को बड़ी मशक्कत लगती है मास्टर uh, माइंड का मतलब ये नहीं होता कि कोई शलोक होम्स है मास्टर का मतलब ये होता है कि आप कॉमन सेंस के साथ दिल के साथ काम बैलेंस आउट कर रहे हो अच्छी चीज़ें कर रहे हो पर uh, जहाँ तक मास्टर माइंड कहा है आई थिंक ऑन अ पर्सनल लेवल इट हैज़ मी बिकॉज आप जिससे भी मिलते हो वहाँ पर लोगों को लगता है बहुत चालाक है बहुत चालाक है बहुत चालाक है uh, लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनली आई डिसाइडेड टू मेक दैट इंटू वन ऑफ माई स्ट्रेंथ्स एंड दैट्स हाउ आई एम प्लेइंग ऑन एस ऑफ स्पेस ऑल्सो पर जैसे आपने कहा ना आप बहुत अच्छे होस्ट हो बहुत प्यार से समझाते हो वो वही तो मास्टर वाली बात है कि आप किसी को वो बात बोलो जो उसे समझनी है उसकी लैंग्वेज में और वो समझ जाए बिना कुछ बुरा फील किए तो आई थिंक दैट्स यू शुड डूइंग इन लाइफ ओके विकास शिल्पा ने ट्विटर पे बहुत शिल्पा जी ने कहा है, उस बारे में आप क्या कहना शिल्पा अभी ट्वीट किया था कल कि सलमान खान को फोर्स किया गया है विकास के थ्रू कुछ कहने करने के लिए फिर उन्होंने कहा था कि वाई ने Uh, जान पूछ के उनको नेगेटिव दिखाया है मुझे पता नहीं क्यों कर रही है शिल्पा जी ऐसा आई कैन ऑल आई कैन is दैट uh, इधर उधर नाम लाइक थ्रोइंग नेम्स लाइक सलमान खान एंड वाई कॉम एंड कलर्स फॉर सम स्टूपिडिटी इज़ नॉट अ कूल थिंग टू डू आई थिंक यू शूड टेक दैट सीरियसली बिकॉज आप जो बोलते हो शिल्पा जी uh, कुछ लोग आपको बहुत मानते हैं वो सीरियसली लेने लगेंगे और वो सीरियसली मत uh, इन चीज़ों में घुसिए बिकॉज ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं um, आप काम पे ध्यान दीजिए आप बहुत अच्छे एक्टर हो प्लीज़ फोकस ऑन योर वर्क स्टॉप लिसनिंग टू तो पीपल हर कोई आपके पास आकर कुछ कहानी सुनाएगा वो सच होगी ये ज़रूरी नहीं होता है एंड ऑल्सो बिग बॉस हैज़ रियली रैप्टअप हमारा वाला बिग बॉस ग्यारह सीजन ख़त्म हुए एक साल हो गया डेढ़ साल हो गया तो आई जस्ट फील दैट अगर आप सब लोग जो भी आपके साथ हैं दोनों तीनों लोग आप सब लोग अगर फोकस करके अपने काम पे ध्यान दोगे तो ये एनर्जी वहाँ जाएगी और ये बेफकूफी पना नहीं आएगा बिकॉज अभी जो आप लोग कर रहे हैं हर रोज़ कुछ ना कुछ होता ही रहता है इट्स नॉट कूल इट्स नॉट लाइक

उनको बहुत क्लियरली एक ऑफ़र मिला था जहाँ पर उनके पैसे बढ़ाए जा रहे थे और उन्होंने वो पैसे नहीं बढ़ाए और शो छोड़ दिया अभी लोग बोल रहे थे कहीं ट्विटर पे कहाँ पैसे बढ़े नहीं बढ़े क्योंकि उन्होंने बढ़वाए ही नहीं और सीधे शो छोड़ के चली गई उनकी जगह हमें रिप्लेस करना पड़ा था किसी और को दस दिन तक घूंघट में कोई था फिर जाके बेचारी शुवांगी अग्री टू कम ऑन द प्रोजेक्ट एंड पुअर प्रोड्यूसर्स रनिंग अराउंड एंड अ uh, trouble happened. People thought the show might not do well. The show still continue. I still on air है अभी भी continue कर रहा है बहुत अच्छी बात है डेढ़ साल के बाद उनको रह के याद आया कि उन्होंने प्रोड्यूसर के पास सेक्शुअल वॉलिस्टेशन केस डेढ़ साल के बाद लगाया तो वो यो जो कहते हैं किसी को परेशान करना अगर आप किसी को परेशान करने की इतनी कोशिश करेंगे दो दो तीन तीन साल के बाद stupidity तो, है रियली stupidity है आपको uh, आपने खुद अपने इंटरव्यूज़ में बोला है कि विकास जी का हाथ नहीं था बड़े अच्छे इंसान है अब एक साल के बाद वापस मेरा हाथ आ गया उसमें तो मुझे समझ में नहीं आ रहा किस चीज़ में पहली बार तो आपके ऊपर बैन लगा था आपको ये बोला गया था तो अब दो साल एक तीन साल पहले की बात है उसके बाद आप बिग बॉस कर चुके हो इतना सक्सेसफुल शो कर चुके हो आप सुपर विनर रह चुके हो आप उन सब चीज़ों में घुस रहे हो बार बार एक कुछ लोगों की ना एक प्रकृति होती है लाइफ में वो होता है दे लाइक टू प्ले विक्टिम एंड दे लाइक द सिम्पथी दैट कम्स आउट ऑफ इट एंड आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली what's द केस हैपनिंग here. वो जब खत्म हो गया है कोई नई प्रॉब्लम लाइए उससे victim बनी है क्योंकि ये प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम थी नहीं वो खत्म हो चुकी है और बहुत लोग परेशान हो रहे हैं इससे केवल आप मतलब सोचें ना आप यू ड्रैगिंग अ सलमान खान इनटू अ कॉन्वर्सेशन लाइक दिस कि उनको कोई फोर्स कौन फोर्स कर सकता है इंडिया में सलमान खान को टू डू एनी प्लीज टेल मी दैट हु कैन फोर्स सिम टू डू और से एनी ही इज़ नॉट अ मैन हू कैन बी फोर्स बाय एनी वन एन

मैं एक्चुअली कुछ काफ़ी टाइम से ना आई हैव बीन ट्वीटिंग अबाउट दिस इट्स कॉल्ड मेंटल इलनेस दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ इलनेस विच इज़ सम पीपल आर सीरियस उनको मज़ा आता है लोगों को परेशान देख के खुद एक्साइट होने में uh, कुछ लोगों को डिसऑर्डर्स होते हैं देर आर कपल ऑफ पीपल हु लाइक टू डू दैट सम पीपल आर डूइंग इट नॉट बिकॉज ऑफ मेंटल इलनेस सम पीपल वॉन्ट टू बी इन न्यूज दे वॉन्ट टू बी कलोकियल सो जो इंसान लाइफ में थोड़ा बेटर कर रहा होता है उसके साथ आप लड़ने लगोगे तो आप न्यूज़ में आ जाते हो तो हर किसी का अपना रीज़न है इन चार पांच लोगों का जो भी ये लोग कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए कर रहे हैं अ लॉट कैन बी सेट बाय मी बट व्हाट इज़ द यूज़ लाइक पहले मुझे बहुत अफेक्ट करता था ये सब चीज़ें एक्चुअली में बहुत अफेक्ट करता था uh, मुझे लगता था कि यार क्यों कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ ख़राब क्यों बोल रहा है मेरे बारे में लेकिन अब ना कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझको I am very secure in what I'm doing what I'm saying I have very limited people I love and uh, I have some people who love me back and that's what's important in my life my work so all of you who is trying to do whatever you want to do please continue doing it if that makes you happy and if my uh, being in your life is the center of your life's attention is great for me it's unfortunate for you guys because my I'm life mein important hoon

और इतनी स्ट्रेंथ दे दी है कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ आई एम वेरी हैप्पी पहले मैं खाना नहीं खा सकता था अकेले बिकॉज बोर्डिंग स्कूल का बच्चा हूँ सौ सौ बच्चे, एक साथ खाना खाते थे और हमेशा आई नीड इट समन टू सिट एंड ईट विथ अब मैं बहुत आराम से अच्छे से खाना खाता हूँ अकेले इन्जॉय okay. करता हूँ अपने okay, साथ। the last one, the last one. तो बिग बॉस के बारे में क्या कहना चाहेंगे बिग बॉस और क्या फॉलो कर रहे हैं और 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 अगर आप फॉलो कर कर रहे रहे हैं 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 तो किस तरह से मानते पोटेंशियल क्या आपको लगता है कि ये बार बहुत डल रहा आ, मैंने बिग बॉस पहले भी कभी नहीं देखा ना मैंने इस बार इतना देखा उसी टाइम देखा जब जैसे मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स के साथ कुछ होता है तो मैं एपिसोड देख लेता हूँ मैंने इतना फॉलो नहीं किया इस बार मैं गया था बिग बॉस तो मैं वहाँ कंटेस्टेंट से मिला था और मुझे काफ़ी लोग बहुत अच्छे लगे थे मुझे सुर भी बहुत पसंद है रोमिल भी मुझे अच्छा लगा था मेघा जी मुझे बहुत अच्छी लगी थी मेरे दो फ्रेंड्स हैं वहाँ पर दीपिका और करणवीर श्रीशांत है वहाँ पर तो आई थिंक ओवरऑल नो अभी टॉप फाइव में ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं आई फील दैट सॉमी वज वेरी गुड बट आई डोंट थिंक वो टॉप फाइव पे पहुँच पाएंगी पर पहुँच जाएंगे मुझे अच्छा लगेगा uh, पर यही पाँच लोग हैं दीपक इज द <laughs>